बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, क्या हाल चाल है आपका, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल सही होंगे, ठीक होंगे, और दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आपके रोजे कैसे गुजर रहे? हमारे रोजे बहुत अच्छे गुजर रहे हैं, बहुत ठंडे गुजर रहे हैं। तो हम अच्छे रोजों को आज खट्टा मीठी सी कुछ चीज खिला के तो उससे खोलना है रोजा हमने। तो हम जी बनाने लगे हैं, हम यानी कि मैं और आशा, हम बना रहे हैं चना चाट कम, और क्या नाम है, सलाद चाट हो जानी है हमारी ये, ठीक है? तो आपने भी देखना है कि मैं किस तरह बना रही हूँ और इसमें क्या क्या डाल रही हूँ। ये जी आलू 1 प्लेट भर के उबाल के काट लिए हैं, चने हैं ये हमारे, कितने ग्राम है ये जी हमारे, तकरीबन 125 ग्राम चने हैं उबले हुए, ठीक है जी। डब्बे के ऊपर ये लिखा हुआ था तो मैंने कहा आपको बता दूँ। तो ये वेजिटेबल चना चाट हम बना रहे हैं, ठीक है जी, जिसमें ये काले चने भी डाल रहे हैं, ये भी उतने ही हैं और सफ़ेद चने भी उतने ही हैं। यहाँ पर गाजरें हैं, ये गाजरें तकरीबन 1.5 से 1.5 पाव, जिनको मैंने ऐसे ऐसे कद्दूकश कर लिया, और साथ ही जी बंद गोभी जो होती है ना, ये देख ले ध्यान से, ये वो भी मैंने कद्दूकश कर लिए। और जी यहाँ पर मकई के दाने हैं, ये उबले हुए हैं, ये भी 1 कटोरी है, और साथ प्याज है वो भी 1 कटोरी है। उसके बाद यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर ये खीरा है, और ये है टमाटर, तो ये 1 अदद लीमू है, और ये ऑलिव ऑयल है, जैतून का तेल जिसको कहते हैं, पता है ना आपको। तो ये चाट मसाला और नमक हसबे जरूर, जितना आपने खाना हो। तो यहाँ पर माशाल्लाह बड़ी सारी मैंने परात ले ली है। अच्छा जी, परात के अंदर हमने सब्जियां सुबह रखी थी, इस वजह से पानी पुनी लगा, वो आपने माइंड नहीं करना। तो ये जो लीमू है ना, इसका हम निकाल लेंगे जूस, तो वो हम आपको निकाल के मिलते हैं। अच्छा जी, ये देखें जी, इसमें हमने निकाल लिया लीमू का रस, ठीक है, ये देखें। तो अपने जायके के मुताबिक जितना आपको सही लगे उतना आप डाल लें, हम 1 का डाल लें क्योंकि हमारा लीमू माशाल्लाह काफी बड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी मैं पहले सबसे डाल रही हूँ सफेद चने, और इसके साथ ही मैंने डाल दिए जो हमने आलू उबाल के रखे हुए थे वो डाल दिए। तो अभी इसमें मैं एक चीज़ और डालनी, वो मुझे चेता भूल गया था बीच में रखने का, वो आपको बाद में दिखाती हूँ कि वो क्या है। तो अभी ये टमाटर और खीरे, तो टमाटर के अंदर थोड़ा सा पानी है हमारा, टमाटर काफ़ी पका हुआ था, तो ये बीच में हो तो ज़्यादा सही है, मतलब अगर चने ताज़े हो उबाले तो उसमें थोड़ा सा पानी रख लें, वो ज़्यादा बेहतर है। ये प्याज, बिस्मिल्लाह, और ये मकई के दाने, सारा कुछ जो जो आपका दिल करे ना, आपने धो धो के काट काट के बीच सूटते जाना है, क्योंकि ये चीजें बड़ा ही मजा करती हैं रोजा खोलने के बाद, ठीक है जी। अभी इसमें ये काले चने डाल रही हूँ मैं, ये देखें, मैंने कहा ये भी आपको दिखा दूँ, इनके अंदर थोड़ा सा हमने पानी रखा हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये जो मैं इसमें गाजर डाल रही हूँ, यानी कि अपनी वेजिटेबल जो वो हम डाल रहे हैं, और ये जो हमने बंद गोभी थी वो डाल दिए। तो ये देखे कितनी कलरफुल, ऐसे पहले ही लग रही है, तो जब इसके अंदर बाकी के मसाले डालेंगे तो और कितनी खूब। अच्छा जी, अब हम इसको करने लगे मिक्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे करके ऐसे हरलाना है आपने, और अगर आप चाहें तो आप ऐसे करके एक हाथ से भी कर सकते हैं, हरला सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो आपको समझ आ गई मैंने क्या बोला है, मतलब मिक्स कर सकते हैं इसको एक हाथ से भी। तो अभी मैं इसको कर रही हूँ मिक्स, ये देखें जी। अब इसमें मैंने ये जो चाट मसाला और नमक आपको दिखाया था 1-1 चम्मच, वो डाल दिया। तो अगर हमें लगा कि काम में खुशबू से सूंघ के तो फिर हम और डाल देंगे, नहीं तो इतने से गुजारा करेंगे। तो ये जो मैंने लीमू 1 रस निकाला था वो डाल रही हूँ, ठीक है जी। और अभी इसमें ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ मैं, तकरीबन 4 से 5 चम्मच जो है ना उतना डालूंगी, लेकिन अंदाजे से डाल रही हूँ, ठीक है जी। तो आपने भी इतना ही डालना है। अच्छा जी, इसमें मैं डाल रही हूँ अभी ये सब्ज धनिया जो हमने फ्रीज किया होता है, तो ये आपकी मर्जी, आप फ्रेश लेकर डाल लें, मेरे पास इस वक्त यही मौजूद है। मैं ये आशा कह रही थी धनिया की डब्बी जो नजर नहीं आई तो दोबारा दिखाएं, तो इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें हमने ऐसे फ्रीज किया होता है, ठीक है। तो इसमें मैंने डाल दिया, जैसे एक मुठ नहीं होती ऐसे मुठ भर के मैंने डाल दिया ऐसे ऐसे करके, ठीक है जी। तो इसके साथ ये जी अब नजर आ रहा है ना पुदीना, ये देख ले, ये पुदीना है, पुदीने की पत्तियां इसमें बहुत ही मजे की लगती है और ना खुशबू भी अच्छी होती है। तो ये भी आपने जितना आपको पसंद हो उतना डाले, मैं तन्नेवाई डालती जा रही हूँ, ये देखें, मतलब मैंने वहां इतना नहीं डाली, उतना ही डाली जितना हमें जरूरत है। अच्छा जी, ये देखें जी, अब मैंने इसमें पुदीना, धनिया और चाट मसाला, नमक, जैतून का तेल सब कुछ डाला है। तो ये देखें इसके अंदर कितनी खूबसूरत सी चमक आ गई है। तो आज हमने ना चाट मसाला, नहीं गलत हो गई हूँ, चाट मसाला नहीं, ये हमने जो वेजिटेबल चना चाट बनाई थी ना, इसके साथ हमने इफ्तारी करनी भी थी और देनी भी थी 1-2 घरों में, तो मैंने सोचा चले मैं बना रही हूँ तो आपको भी दिखाऊं। इसमें देर तो कोई नहीं लगती, खाली सब्जियों को आपको काटना पड़ता है और आलुओं को उबालना पड़ता है, चनों को तो चाट बन जाती है, ये देखें। अच्छा जी, चाट हमारी होगी तैयार। तो मुझे इसकी खुशबू से लग रहा था कि इसमें लीमू है ना, जो लेमन वो कम है, तो मैंने आधा जो है ना, ये देखें, आधे को और ना डाल दिया और आधा मैंने रख लिया, मैंने कहा कल बनाऊंगी फिर डाल लूंगी, देखा मैंने कितना अच्छा काम किया है। अच्छा जी, चाट हमारी होगी है तैयार। तो डिश आउट तो मैंने करनी को नहीं है, अभी मैं इनको करती हूँ डब्बे आउट, क्योंकि जिन जिनको देनी है उसमें डालती हूँ डब्बों में, फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, चाट बना के बच्चों को लेने जाने का टाइम हो गया, तो ये मैं बच्चों के लिए सैंडविच बना रही हूँ, देखिए चीज़ वाला सैंडविच बना रही हूँ नवेरा के लिए,
ये दूसरी तरफ जो है ना ये सैंडविच बना रही है मोई साहब के लिए, ये नटेला लगी है अंदर, ठीक है जी। मैंने कहा ये भी आपको दिखा दूं, इसको बंद करना भी बड़ा मुश्किल है। ओए हो गया बंद। यहाँ पर ये देखे ना प्लेट आउट लॉक करते हैं, तो मैंने डोंगा आउट किया है, डब्बे आउट किए चार, ठीक है जी। ये जो देनी है ना उसके लिए डाल ली, ये जो मैंने अपने लिए डाली थी एक मसाई को देनी है, वो फिर मैं आके दूंगी बच्चों को स्कूल से लेके आके, क्योंकि वो नीचे हमारे घर के बिल्कुल नजदीक ही है। तो ये जी सारे हैं डब्बे जिनमें हमने डाली, और ये हैं इनके ढक्कन, ठीक है जी। तो मैं तो यकीन जाने डब्बे खरीदती रहती हूँ, चाट देती रहती हूँ, खाने की चीज़ें डाल के देती रहती हूँ ना, चाट सामने तो चाट का ही नाम आ रहा है, मतलब खाने की चीज़ें डाल के देती रहती हूँ, तो फिर मैं डब्बे खरीदती रहती हूँ, ठीक है जी। तो चलें जी हम करते हैं वीडियो ख़त्म, और उम्मीद करते हैं जी आपको अच्छी लगी होगी हमारी आज की चना चाट सैलड चना चाट की रेसिपी। तो अगर आपको अच्छी लगे तो आप भी बनाइए खाइए, और हमें दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो में, और हमारी तरफ से आपको ढेर सारा रमज़ान मुबारक। ताशा तुमने क्या बोला था, हमें बताइएगा ना कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी है। आशा ने बोला अब स्पेशल आपने बताना है, तो अल्लाह हाफिज़।